एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में युवा को कुशल, प्रशिक्षित और उद्यमी बनाने में प्रयासरत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कृषि से संबंधित 19 उपक्षेत्रों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत विभिन्न योग्यता पैक अर्थात क्वालिफिकेशन पैक विकसित किए हैं, जिनमें से आज हम पोल्ट्री फार्म वर्कर के जॉब रोल के बारे में चर्चा करेंगे जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के तहत आता है। आइए जानते हैं इनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियां। पक्षियों के नियोजन के लिए पोल्ट्री शेड तैयार करना, ब्रूडिंग प्रबंधन करना, पक्षियों के भोजन पानी और कूड़े का प्रबंधन करना, पोल्ट्री में स्वास्थ्य बनाए रखना, पोल्ट्री फार्म उपकरण भवन और पर्यावरण बनाए रखना, ग्रीडिंग स्टोरिंग और हैश्ड अंडों को पैक करना, कार्यस्थल पर स्वस्थ और सुरक्षा बनाए रखना, प्रासंगिक रोजगार और उद्यमशीलता प्रथाओं को पालन करना। इस कोर्स को करके आप यह महत्वपूर्ण मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल 1 में पोल्ट्री फार्म वर्कर की भूमिका का परिचय, मॉड्यूल 2 में चूजो की प्लेसमेंट के लिए पोल्ट्री शेड की तैयारी, मॉड्यूल 3 में ब्रूडिंग और डीपीकिंग, मॉड्यूल 4 में फीड पानी और कूड़ा प्रबंधन, मॉड्यूल 5 में रोग की रोकथाम और पोल्ट्री स्वास्थ्य का रखरखाव, मॉड्यूल 6 में कार्यस्थल पर प्रभावी संचार, मॉड्यूल 7 में पोल्ट्री फार्म उपकरण भवन और पर्यावरण का रखरखाव, मॉड्यूल 8 में संग्रह ग्रेडिंग भंडारण और हैश्ड अंडों की पैकिंग, मॉड्यूल 9 में स्वच्छता का ध्यान, मॉड्यूल 10 में सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रियाएं, मॉड्यूल 11 में रोजगार और उद्यमशीलता प्रथाएं। इस जॉब रोल में नामांकन करने की पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं: 1 साल के प्रासंगिक अनुभव के साथ 8वीं कक्षा पास या NSQS स्तर 3 हैचरी ऑपरेटर के प्रमाण पत्र के साथ 6 महीने का अनुभव या 3 साल के प्रासंगिक अनुभव के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता। इस प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि 300 घंटे है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार आप लेवल 3 पोल्ट्री फार्म वर्कर से लेवल 4 स्मॉल पोल्ट्री फार्मर में अपग्रेड कर सकते हैं। योर जॉब रोल आपको पोल्ट्री से संबंधित कंपनियां जैसे सागर पोल्ट्रीज, स्काईलार्क, सिमरन एग्रो एंटरप्राइजेस, सुगुना फूड्स आदि में रोजगार के लिए सक्षम बनाएगा। आप पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं जिसमें 3 तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नेशनल लाइवस्टॉक सब मिशन के तहत संबंधित उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सहायता दी जाती है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से आज ही संपर्क करें।